बलात्कारियों को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आपको बताया चले कि आज कानपुर में आरोपियों के फांसी की मांग को लेकर कानपुर दक्षिण उद्योग व्यापार मंडल व्यापारी ने जमकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने इटावा सहित चार अन्य जनपदों के अपराध समीक्षा की बैठक बुलाई। प्रदेश में पुलिस प्रशासन के मुखिया डीजीपी द्वारा ही अपराधियों की गतिविधियों की समीक्षा की गई है। मथुरा के एसएसपी सलभ मथुरा के निर्देश पर जनपद भर में थाना स्तर पर राम मंदिर के फैसले के समय सौंदर्य बनाने के पुलिस विभाग के सहयोग करने वाले व्यापारी समाज सेवी एवं मीडिया कर्मियों के लिए एक समाज समारोह आयोजन किया गया है। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार अधेड़ की दर्दनाक हुई मौत। स्थानीय थाना क्षेत्र में यहाँ पर आपको बताया चले भोसारा पेट्रोल पंप के पास आज तेज रफ्तार ट्रक और के चपेट में आने से साइकिल सवार अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ौद में उत्तर प्रदेश के बरेली से आए रजीम मियां पीर साहब अपने मुरीदों के विरुद्ध हुए मिलाद शरीफ के प्रोग्राम में ही आपको बताया चले इस जगह पर ही बड़ौद में शामिल हुए मिलाद। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने बिजनौर कलेक्टर में विभिन्न मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इसमें आपको बता चले फैक्ट्री वायर फटने से मचा हड़कंप, तीन मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। ये पूरी खबर बिजनौर जनपद की बताई जा रही है। घायलों को करवाया गया मुरादाबाद में भर्ती। लखीमपुर खीरी नगर पालिका परिषद में आपको बता चले राज्य वित्तीय आयोग के अंतर्गत ही माजरा फार्म के पास ही रपटा पुल के निर्माण कार्य को लेकर लोकार्पण सुरेंद्र कुमार श्रीमानी जिला अधिकारी खीरी के कर कमरों द्वारा ही श्रीमती निरुपामा के मोनी बिजपई माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के साथ गरिमा में उपस्थित किया गया है। मर्डर में पुलिस को मिली सबसे बड़ी सफलता। पुलिस ने एक दिन में ही आरोपियों को किया गिरफ्तार। अज्ञात रहे दो दिन पहले अपने गोल्ड की दुकान पर बैठे प्रिंस को तीन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। गोपुर भारतीय प्रशासनिक सेवा 2013 के बैच के अधिकारी नमथल डिडेट ने जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट का पद ग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश के उद्योग व्यापार मंच के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के सम्मानित समारोह का आयोजन शहर के प्रतिनिधि होटल रॉयल पत्र में आयोजित किया गया है। व्यापार मंच पर जाने से मचा हड़कंप। रेलवे इंजन को स्थानीय लोग और रेल कर्मियों द्वारा धक्का देकर ट्रक से हटाया गया। जगही जंक्शन द्वारा आपको बताया चले कि गिट्टी लाद कर खड़ी मालगाड़ी इंजन बदलते समय रेलवे जिम्मेदारी अधिकारी की लापरवाही हुई है। घटना सीतापुर से देखिए बड़ी खबर आ रही है। आपको बताया चले कि गंभीर गांव में एक बार फिर मोहल्ले कोतवाली सिपाहियों की दब गई देखने को मिली है, जहां एक युवक नाम और पिता का नाम बताते हुए अवध आसला से युवक पर दोनों सिपाहियों ने ना जाने आवाज युवक पर लहूलुहान जिसको गांव वालों ने लेकर मोहल्ले कोतवाली पहुंचे हैं। इसके प्रभावी मंत्री श्रीमती नीलम कटियार द्वारा व्यापारियों के हित के द्वारा बात करते हुए कहा है कि आइए उत्तर प्रदेश के प्रभावी मंत्री श्रीमती नीलम कटियार ने कहा है व्यापारियों के बलबूते से ही भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। सुनते हैं इस वक्त की खबर। आपको बता चले देपालपुर से आ रही है। हाई सेकेंडरी स्कूल के बालक बालिकाओं द्वारा विद्यालय में प्रिंसिपल का स्थानांतरण को रोकने के लिए अनुविभागीय कार्यालय को दिया ज्ञापन। आवारा पशुओं के आतंक से सहासा में नजर आ रहा है। तस्वीरें में आपको दिखाई जरूर देख भी सकते हैं। क्षेत्र में कई बार आवारा पशु वाहनों को टक्कर के साथ ही राहगीरों में जान तक ले चुके हैं। सियोरा क्षेत्र में ग्राम मेवा नवाद में आज उस समय अफरा तफरी मच गई है जब एक स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में विशाल वायरल तेज विस्फोट के साथ आपको बता चले 300 मीटर दूरी पर एक मकान भी जाकर गिरा है। इटावा जनपद में आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह इटावा पहुंचे हैं, जहां आपको बताया चले पुलिस लाइन बच्चों द्वारा किए गए कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं प्रदेश के सरकार में अब जनहित मुद्दे पर आवाज उठाना भी गैर कानूनी कर दिया गया है। दरअसल आपको भी बता दें ये पूरा मामला गाजीपुर का बताया जा रहा है। जिला अस्पताल में डॉक्टर की कमी, महिला अस्पताल को वहीं पर बने गई बिल्डिंग में शिफ्ट कराने के लिए साथ में अन्य जिले में तमाम मुद्दों को लेकर जिले में आज सपा कार्यकर्ताओं ने एक पद यात्रा निकाला है। अंतर्गत असम रोड सेमरहाना में चांद बाबू हरकपुर में राय बोझा बराती चांदी बाबू की सड़क दुर्घटना में हुई दर्दनाक मौत। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।